जी राणा साहब, आज कोई भीख मांगने का कार्यक्रम है, किस क्या मामला है? जी, मेरा नाम डॉक्टर पटेल महेंद्र राणा है। मैं आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष बरेली हूँ। हमारा आज पूरे प्रदेश में कार्यक्रम चलाया गया है। मोदी जी ने जो कहा है सैनिकों को देने के लिए, हमारे पास पैसा नहीं है। इसी मुहिम को लेकर के आज हम भीख मांग रहे हैं और कल हम अपनी मांगी हुई भीख का चेक माननीय प्रधानमंत्री जी को समर्पित करेंगे, वो भेजा जाएगा। उसी कार्यक्रम में आज हम डोर टू डोर जाकर भीख मांग के आ रहे हैं। कितने लोगों ने ये भीख दी है आपको, जो चंदा और भीख इकट्ठी कर रहे हैं? जहाँ जहाँ हम लोग जा रहे हैं, कोई भी व्यक्ति देने से इनकार नहीं कर रहा है, क्योंकि पूरा देश जो है सैनिकों का सम्मान करता है। और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमारे पास सैनिकों को पेंशन देने के लिए, तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है, तो आज ये स्थिति पर देश हमारा पहुंच चुका है। और मोदी जी किस आधार पर कहते हैं कि हमारा देश तरक्की कर रहा है, तो इसके लिए हम अपने सैनिकों के लिए, जो अपने देश के लिए सेवा देते हैं, जान का बलिदान देते हैं, और जान के बलिदान से बड़ा कोई बलिदान नहीं होता है, तो ऐसे सैनिकों को भी हमारा देश तनख्वाह नहीं दे पा रहा है, तो इसके लिए हम लोग जो है भीख मांगने के लिए निकले हैं। भीख मांग कर जो है प्रधानमंत्री जी को हम लोग ये राशि भेंट करेंगे, ताकि वो देश के सैनिकों के लिए तनख्वाह का व्यवस्था कर सकें।